हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बाइकरिस्टिक एस के। और आज हम लोग बात करने वाले हैं परमिट्स के बारे में। आई नो थोड़ा ऑफ टॉपिक है, लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये टॉपिक मे बी आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहेगा। और इंडिया में आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे परमिट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, और उसी परमिट्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे तीन तरीके के परमिट्स होते हैं। RAP यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, PAP यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, और ILP यानी कि इनर लाइन परमिट। तो इन तीन तरह का परमिट किनको किनको इशू किया जाता है, क्या फंक्शन है, कौन इशू करता है, और कहाँ कहाँ के लिए ये परमिट जरूरत है, तो यही सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नया इंट्रो आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने चैनल का नाम रोड राइडर्स व्लॉग से बाइकरिस्टिक एस के रखा है। पहले जो रोड राइडर्स व्लॉग्स को फॉलो कर रहे थे तो थोड़ा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि सेम चैनल है, बेसिकली नाम चेंज हुआ है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि आपको थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दूं। इस परमिट इशू का जो स्ट्रक्चर है उसको कहां से लिया गया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो 1873 का जो है एक एक्ट था फॉरेनर्स लोग का, मतलब ब्रिटिश लोग का, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट करके। तो 1873 का वो जो एक्ट था वो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए था, और क्योंकि वहां पे ब्रिटिशर लोग पहले जो चाय की खेती वगैरह है वहां पे करते थे, और जो रिसोर्सेस है जैसे पेड़ वगैरह है वहां पे, तो वो सब को मतलब जो ना कैप्चर करके रखा हुआ था। वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई वहां पे आके जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करे या फिर कोई सेटलमेंट बनाए, तो इसीलिए वहां पे उन लोगों ने परमिट का सिस्टम रखा था कि कोई अगर जाए भी तो उनको पता रहेगी कि ये लोग आए हुए हैं और इतने दिन तक रहेंगे और फिर चले जाएंगे। तो उसी जो सिस्टम है को फॉलो करते हुए अभी का जो परमिट सिस्टम है वो लिया गया है। और अभी कॉस्ट जो है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि पहले जो कॉस्ट था वो था उनका जो मोटिव, उनको उसको सेफ गार्ड करना, उनका जो चाय का बगान है या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं उसको सेफ गार्ड करना। लेकिन अभी जो मोटिव है वो थोड़ा सा नोबल है। अभी का जो मोटिव है उसके पीछे ये एम है कि जो वहां के ट्राइबल कम्युनिटीज है उसको बचाना, प्रोटेक्ट करना, और जो बॉर्डर एरिया है वहां के जो मूवमेंट है उसको मेंटेन करना कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। सीधे चलते हैं परमिट के टाइप के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा तीन टाइप के परमिट होते हैं। तो सबसे पहला परमिट देख लेते हैं हम लोग, RAP यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। ये होता है बेसिकली फॉरेनर्स के लिए, दो स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट है सिक्किम, और यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार के लिए एप्लीकेबल है। और जिस कंट्री से जो पर्सन आ रहे हैं उस कंट्री के जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर है वहां से भी जो है ये अप्लाई कर सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है कि जो पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, अफगानिस्तान के लोग हैं वो अगर यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं या सिक्किम या फिर अंडमान एंड निकोबार, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली से जो है उनको अप्रूवल लेना पड़ता है पहले, RAP अप्लाई करने से पहले। कोई फॉरेनर के पास रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट है तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही जगह उस स्टेट का घूम ले, मतलब जैसे सिक्किम का अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो वहां पे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं तो उनको वो घूम नहीं सकते, बस वो सिक्किम में एंटर कर सकते हैं। बिना रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के सिक्किम में कोई भी फॉरेनर एंटर नहीं कर सकता है। अब आ जाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट पर यानी कि PAP। तो ये बेसिकली इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों के लिए इशू किया जाता है, और ये जो परमिट है ये एरिया स्पेसिफिक है। मतलब सपोज अगर सिक्किम का एग्जाम्पल लेके चले तो सिक्किम में नाथुला के लिए एक अलग से परमिट इशू होगा, और गोरुदोंगमार अगर आपको जाना है तो वहां के लिए अलग परमिट इशू होता है। और दोनों अलग अलग जोन में है, मतलब जो नाथुला है वो ईस्टर्न सिक्किम में है और जो गोरुदोंगमार है वो नॉर्दर्न सिक्किम में है, लेकिन स्टेट एक ही है, लेकिन परमिट अलग अलग इशू होते हैं। तो ये बहुत ही एरिया स्पेसिफिक है, और मतलब जो रूट रहता है वो भी इस परमिट में मेंशन किया हुआ रहता है कि ये रूट से जो है ये टूरिस्ट जाने वाले हैं। और जो वैलिडिटी है इस परमिट का वो डिपेंड करता है कि स्टेट जो भी है कितना दिन तक का आपको परमिशन देती है। करीब करीब 10 दिन तक का परमिट यहाँ से इशू होता है, और उसको एक्सटेंड किया जाता है 7 डेज तक मैक्सिमम। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली वीजा, पासपोर्ट लगता है फॉरेनर्स को, और हम लोग को लगेगा ID प्रूफ जो रहता है हमारा, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड। आधार कार्ड जो है अभी सिक्किम में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक अपडेट है आपके लिए, अगर आप सबको सिक्किम जाना है तो आधार कार्ड से परमिट अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि एक बांग्लादेशी किसी ने
आधार कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी बना करके जो है वो चला गया नाथुला पास, और फिर वहां पे उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो इस वजह से आधार कार्ड को जो है पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि फोर्ज हुआ था इस वजह से। तो ये टूर ऑपरेटर्स के जरिए आपको ये परमिट मिल जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये परमिट ऑब्टेन करना। अब डिपेंड करता है स्टेट पर कि कितना वहां पे टूरिस्ट जा रहे हैं, उस हिसाब से वो लोग परमिट इशू करते हैं। और वहां की कंडीशन, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पासेस है, अगर बर्फबारी वगैरह हो रही है तो जनरली वो लोग परमिट इशू नहीं करते जल्दी से। और एक चीज यहाँ पे है कि पीएपी जो है ये 5 साल के ऊपर वाले बच्चों के लिए ही इशू होता है, 5 साल के नीचे अगर कोई बच्चा है तो वो उसको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट नहीं इशू होता है। और जो एजेड लोग हैं उनको, उनके लिए भी कभी कभी इशू नहीं होता, हालांकि कोई एज स्पेसिफिक दिया यहाँ पे नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लिखा है कि मतलब जो एजेड पर्सन है वो अलाउड नहीं है। आरएपी फॉरेनर्स के लिए है, पीएपी इंडियन और फॉरेनर्स दोनों के लिए है। पीएपी जो है वो एरिया स्पेसिफिक है, आरएपी जो है वो फॉरेनर्स के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग आईएलपी में, यानी कि इनर लाइन परमिट। तो ये इनर लाइन परमिट जो है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट, अगर आप विजिट कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। आईएलपी होती है ये सिर्फ इंडियन के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं होती। आरएपी जैसे कि बताया सिर्फ फॉरेनर्स के लिए है, और पीएपी फॉरेनर्स प्लस इंडियंस के लिए है। अगर आप इंडियन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी ट्रैवल एजेंट से जो है आप परमिट अपना बनवा सकते हैं, चाहे वो पीएपी हो या आईएलपी हो। पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, अफगानिस्तान को जो है थोड़ा स्पेशल यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, और उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, जैसा कि मैंने कहा। तो ये बेसिक रीजन है, क्योंकि थोड़ा जो रिलेशन है वो भी थोड़ा इधर उधर होता रहता है इन कंट्रीज के साथ, और हमारे जो फ्रंटियर है उनसे लगे हुए कंट्रीज है, तो थोड़ा जो है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इसलिए इन्होंने रखा हुआ है। पहले क्या था, पहले बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम था, बांग्लादेश से मतलब जो आ रहे हैं उनको भी इस तरीके का पहले अप्रूवल लेना पड़ता था, लेकिन अब वो डायरेक्ट आरएपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और यही मेरा मकसद रहता है कि कुछ इतना कुछ इन्फॉर्मेटिव आपसे शेयर करूं। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा हो सके तो, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।